आईटीआई 2024 एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के रिजल्ट एक साथ यहाँ पे जारी किए गए। 10 बजे डीजीटी ने अनाउंस किया था कि रिजल्ट चेक अनाउंस होगा, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ को हटा के रिजल्ट लगभग 6:30 बजे के आसपास ही वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया गया। जैसे रिजल्ट आया हमने आप सबको अपडेट भी दी वीडियो के माध्यम से, हमने उसमें 2 से 3 रिजल्ट्स चेक भी किए जिनके स्क्रीनशॉट और पीडीएफ हमने सेव करके रख लिए। और अभी वेबसाइट पे जैसे अचानक से सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची कि रिजल्ट 10 बजे से पहले से चेक होना स्टार्ट हो चुका है, तो वेबसाइट पे एक साथ ट्रैफिक ज़्यादा आ जाने से अब वेबसाइट रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। तो क्या आप लोग अपना रिजल्ट अभी चेक कर पाए या नहीं, एक बार कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर नहीं चेक कर पाए हैं तो वेबसाइट पे प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आ चुका है वेबसाइट पे, 100% आ चुका है, आपको हम दिखाने वाले भी हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि वेबसाइट पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक, एक साथ लाखों छात्र जो है यहाँ पे रिजल्ट अपना चेक करने लगे, तो वेबसाइट जो है यहाँ पे क्रैश कर गई और वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही। आप सही डिटेल इंटर कर रहे होंगे तब भी यहाँ पे एक रेड कलर का ऐसे एरर मैसेज आता होगा जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। सही डिटेल के बाद भी इस तरह का अगर रेड कलर का मैसेज आ रहा है, इसका मतलब वेबसाइट जो है काफ़ी टाइम लेने के बाद टाइम आउट हो जा रहा है आपका सेशन, वो आपके डेटा को सर्च नहीं कर पा रही है। तो रिजल्ट्स आ चुका है, आपको अभी हम दिखाने वाले भी एक पीडीएफ और स्क्रीनशॉट रिजल्ट का। एंड आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसा रहा आपका रिजल्ट। वीडियो को लाइक अगर करेंगे तो सब तक इन्फॉर्मेशन पहुँच पाएगी एंड चैनल की रीच भी बढ़ पाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बाकी हम पल पल की अपडेट आप सबको टेलीग्राम चैनल पे देते रहते हैं, तो टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे अगर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। रिजल्ट चेक करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना जो है पीआरएन नंबर एंटर करना है, ठीक है। पीआरएन नंबर अपना एंटर करेंगे, आर लगा के आपका जो रोल नंबर है वही आपका पीआरएन नंबर होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ को जो है कैलेंडर के माध्यम से एंटर करना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं, पहले सबमिट करने पे क्या होता था, एक पेज ओपन होता था डैशबोर्ड जिसमें आप जाके ट्रेनिंग रिजल्ट चेक कर पाते थे। यहाँ भी देखिए सबमिट हमने किया हुआ है, काफ़ी देर तक इस तरह से आपको राउंड राउंड करता हुआ दिखेगा और फिर ऊपर एक रेड कलर का आपको इंडिकेशन मिलेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम रिजल्ट से जुड़ी कुछ बातें आप सबसे करना चाहेंगे। अगर आप भी अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहे तो थोड़ा सा आप वेट करिए, रिजल्ट अप्रॉक्स रात में 11-12 बजे जब थोड़ा सा लोग हटेंगे वेबसाइट से अपना अपना चेक करके, या मे भी कुछ लोग सो जाएंगे, देखिए इस तरह का रेड कलर का इंडिकेशन आ जाएगा, जब कुछ लोग सो जाएंगे, ठीक है, उस केस में क्या होगा, वेबसाइट थोड़ी सी जब फ्री होगी तो आप लोग अपना रिजल्ट इसमें चेक कर पाएंगे। आईटीआई रिजल्ट को लेकर अगर कुछ अपडेट की बात करें तो देखिए रिजल्ट सभी का ओवरऑल अच्छा रहा होगा, जो कैंडिडेट्स एबसेंट रहे उनका बैक पेपर होगा। हाँ, ग्रेस मार्क की अगर बात कर लें, कुछ कैंडिडेट्स को पता नहीं ग्रेस मार्क क्या होता है। देखिए ग्रेस मार्क एक ऐसे नंबर होते हैं, मींस किसी रीजन से आप थोड़े से कम नंबर से पास नहीं हो पा रहे हैं तो क्या करता है बोर्ड, वो नंबर आपको देखे पास कर देता है, ठीक है। ओवरऑल मान लीजिए आप प्रैक्टिकल में पास हैं, सेशनल में पास हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पास हैं, लेकिन ट्रेड थ्योरी मान लीजिए पासिंग मार्क था 33 और आपने नंबर स्कोर किए मान लीजिए 29 नंबर, इस केस में क्या होता है, 29 तो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, या तो आप 28 करेंगे या तो आप 30 करेंगे। मान लीजिए आपने 30 नंबर स्कोर किए 15 क्वेश्चन सही करके, तो ये 3 नंबर का ग्रेस मार्क आपको डीजीटी दे देता है और आपके 33 नंबर दे के वो आपको पास कर देता है कि जाइए आपने इतनी मेहनत की थी, ये 3 नंबर हमारी तरफ से आप पास हैं इसमें, ठीक है। तो जिन भी कैंडिडेट्स का ध्यान दीजिएगा, थ्योरी में अगर 33 नंबर हो और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 17 नंबर हो, इसका मतलब आपको ग्रेस मार्क दिया गया तब आप पास हुए, आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन कम सही किए थे, ठीक है। जिनके भी 18 नंबर हों, 34 हों, 36 हों या 90 हों, 92 हों, मतलब आपके जो नंबर्स होंगे ना वो इवन नंबर में होंगे, ऑड नंबर में नहीं होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो उस केस में आप क्या हैं, खुद से पास हैं, ठीक। और मान लीजिए आपके नंबर्स होंगे 26, तो आपको फिर ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रेस मार्क 5 नंबर का ही मैक्सिमम मिलता है, 28 को 33 किया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपके नंबर हैं 26, तो फिर आपका बैक रहेगा, आपको जब अभी बैक पेपर होगा 2 से 3 महीने के बाद तो आपको बैक पेपर देना होगा। आप किसी रीजन से मान लीजिए एब्सेंट रहेगा, आपके 0 नंबर हैं प्रैक्टिकल में या थ्योरी में या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, उस केस में भी आपको बैक पेपर देना पड़ेगा अगर आप एब्सेंट रहे हैं उस केस में, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट्स की बातें, बाकी रिजल्ट तो अभी ओपन नहीं हो रहा है, पीडीएफ आपको हम दिखा दें। ये देखिए एक ये रिजल्ट है आपका, ट्रेड प्रैक्टिकल में 242 नंबर हैं, ट्रेड थ्योरी में 50 नंबर हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 28 हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में 181 हैं, कुल यहाँ पे 501 नंबर है। रिजल्ट डेट भी आप देख सकते हैं क्या है, 15 सितंबर 2024। रिजल्ट आपके सामने है, ये हमने स्क्रीनशॉट लिया था वीडियो में ही, ठीक है। ये रिजल्ट भी आपको अगर हम दिखाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आप सभी का रिजल्ट। इसमें आप देखिए ट्रेड प्रैक्टिकल में 242, यहाँ देखिए इसको हमने इसलिए रखा है कि आपको हम दिखा सके, यहाँ देखिए इनको 33 नंबर मिले हैं, इसका मतलब थ्योरी में इनका कम नंबर था, इनको ग्रेस मार्क दिया गया है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में देखिए 38 नंबर हैं, यहाँ पे 188 नंबर हैं, इस तरह से ये भी यहाँ पे पास हैं। रिजल्ट आपको हम
हाँ यहाँ पे इसका तो हमने पूरा पीडीएफ ही सेव कर लिया था। इसमें अगर आप देखें तो प्लम्बर ट्रेड का है। इसमें आप देखिए ट्रेड प्रैक्टिकल में 244 नंबर हैं, ट्रेड थ्योरी में 100 में से 74 नंबर्स हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 50 में 48 नंबर्स हैं, और फॉर्मेटिव असेसमेंट में 200 में 194, टोटल 600 में 560 नंबर बना। तो इस तरीके से आप लोग अपना परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। नंबर्स जो आपको मिले उनको 6 से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिएगा, 600 पूर्णांक है तो, और आपका यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपना परसेंटेज निकाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए आपका कितना परसेंट है। और आप रिजल्ट अगर नहीं चेक कर पाएँ तो भी बताइए। अभी हम थोड़ी देर में जैसे ही वेबसाइट फिर से ओपन होती है आप सबको हम टेलीग्राम पे एंड यहाँ इन्फॉर्म कर देंगे। साथ ही लाइव आके अगर आप कहेंगे तो हम कुछ लोगों के रिजल्ट्स भी यहाँ पे चेक करेंगे, सो दैट आप लोग भी कंफर्म हो पाओ कि आपका रिजल्ट यहाँ पे क्या है। अभी हमने लैपटॉप में मोबाइल में दोनों में ऑलरेडी हम ओपन किए हुए हैं टैब, लेकिन कहीं पर भी किसी भी कैंडिडेट का भी रिजल्ट नहीं ओपन हो रहा है। वेबसाइट पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने से वेबसाइट रिस्पॉन्स नहीं कर रही है इतने लोगों का एक साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में आप सभी लोग, एंड अपना रिजल्ट चेक करके कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा सब लोग। टेलीग्राम पे भी आप अपना चाहें तो शेयर कर सकते हैं ज्वाइन करके, रोल नंबर वगैरह वहाँ पे भी हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे। थैंक यू।